संस्कारी और एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर ये बॉलीवुड एक्टर्स बड़ी ही बखूबी के साथ निभा लिया करते हैं, लेकिन क्या असल में इतने संस्कारी हैं ये? Hey everyone, I'm Ananya Srivastav and welcome to our YouTube channel V for Innovative. बॉलीवुड स्टार्स काफी लोगों के इंस्पिरेशन होते हैं, अब चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर सूरज पंचोली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने अच्छे रोल्स और कैरेक्टर्स ये मूवीज और सीरीज में प्ले किया करते हैं, ऐसे ये असली जिंदगी में अपनी बिल्कुल नहीं है। ये स्टार्स जो आपको इंस्पायर करते हैं, इन पर कुछ अपराध यानी कि क्राइम रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने कुछ लॉस तोड़े हैं और उन पर दर्ज हैं क्राइम रिकॉर्ड्स। इनकी असलियत जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है शाइनी आहूजा। ये काफी जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं और इन्होंने कई फेमस मूवीज में काम भी किया है, जैसे कि गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया, वेलकम बैक और तो और। इन्हें ईयर 2005 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। लेकिन जून 2009 में शाइनी पर आरोप लगाया गया था खुद ही की घर में काम करने वाली 20 साल की नौकरानी का रेप करने का। इन पे सेक्शन 376 रेप का और सेक्शन 506 मारने की धमकी ऑफ द आईपीसी का आरोप लगा था। पहले तो शाइनी ने अपना क्राइम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में चीजें साबित होने के बाद शाइनी को 7 साल की जेल हो गई थी अपनी हाउसमेट का रेप करने के लिए। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मोनिका बेदी। मोनिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक इंडियन एक्ट्रेस और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं और ये जानी जाती हैं अपनी एक्टिंग के लिए मूवी जोड़ी नंबर 1 और प्यार इश्क और मोहब्बत में। और तो और, इन्होंने बिग बॉस सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अबू सलीम से मोनिका प्यार करती थी। और तो और, इन्होंने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनवाई थी, जिसके कारण ये पोर्चुगल में 2 साल तक जेल में थी। जेल से वापस आने के बाद इन्होंने अपना एक्टिंग करियर वापस से शुरू किया और इनके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि अबू जेल में ही थे। लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर है किंग खान यानी कि शाहरुख खान। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शाहरुख खान को नहीं जानता होगा। अरे, इन्हें तो बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। SRK इंडियन एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक भी। ये 80 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए हैं और इनके पास 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। इन्होंने कई फेमस मूवीज में एक्टिंग की है, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, देवदास, चेन्नई एक्सप्रेस, माय नेम इज खान, जीरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने डेविड लेटरमैन के साथ एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि इन्हें जेल हो गई थी एक जर्नलिस्ट को धमकाने के अपराध में। SRK को ये भी याद है कि उन्हें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था जब वो मूवी कभी हाँ कभी ना की शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जर्नलिस्ट को एक आर्टिकल के पीछे धमकी दे दी थी जो कि किसी क्राइम से कम नहीं है। लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल है बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम, सलमान खान। फोर्ब्स के हिसाब से SRK के बाद ये इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। सलमान खान इंडियन एक्टर होने के साथ साथ ओकेशनल सिंगर और प्रोड्यूसर भी हैं। ये बिग बॉस के सीजन को होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई ज्यादा फेमस मूवीज में काम किया है, जैसे कि बीवी हो तो ऐसी, पार्टनर, मैंने प्यार किया, करण अर्जुन दबंग, रेडी, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको बता दूं कि इन पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। ये 2015 में सलमान खान को दोषी ठहराया गया था ऑफ कल्पेबल होमिसाइड फॉर अ नेग्लिजेंट ड्राइविंग केस, जब इन्होंने अपनी कार 5 लोगों पर चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद ये केस अपील पर रफा दफा हो गया था। उसके बाद 5 अप्रैल 2018 को 2 ब्लैक बग्स यानी कि काले हिरन को मारने का केस इन पर लगा था, जिसमें से सलमान को 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन फिर वो बेल पर बाहर निकल गए थे। उसके बाद साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद दबंग के डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने सलमान, अरबाज, सोहेल और इनके पिता सलीम खान पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मिलकर अभिनव के करियर को बर्बाद कर दिया था। तो ऐसे में इन्होंने एक नहीं कई क्राइम्स को अंजाम दिया है। लिस्ट में 5वें नंबर पर है जॉन अब्राहम। इनकी तो बॉडी से लेकर एक्टिंग पर कई लोग मरा करते हैं। ये कुछ मूवीज में अपना नेगेटिव रोल के लिए काफी जाने जाते हैं। एक फेमस इंडियन एक्टर होने के साथ साथ जॉन एक फिल्म प्रोड्यूसर और फॉर्मर मॉडल भी हैं। ये बहुत सारी मूवीज में
जो कि फेमस है उसमें दिखाई दिए हैं, जैसे कि गरम मसाला, दोस्ताना, न्यूयॉर्क, हाउसफुल 2, मद्रास कैफे, सत्यमेव जयते, बाटला हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जॉन पर रैश ड्राइविंग का आरोप लगाया गया था, जिसमें इनके कारण 2 लोग घायल हो गए थे। ये 15 दिनों के लिए जेल में थे, लेकिन फिर 1,500 रुपए देकर बेल पर बाहर हो गए। लिस्ट में अब छठवें नंबर पर हैं संजय दत्त। इनके बारे में तो हम सभी बहुत कुछ जानते हैं, और ये हमें इनकी लाइफ पर बनी मूवी संजू में पता चला था। संजय दत्त कई फेमस मूवीज के स्टार रहे हैं, जैसे कि रॉकी, जीते हैं शान से, साजन, खलनायक, लग रहो मुन्ना भाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संजय को कानून ने अपनी हिरासत में लिया था अंडर द आर्म्स एक्ट, मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके बाद। संजय दत्त को दोषी ठहराया गया था इलीगली वो वेपन्स रखने के लिए जिसका इस्तेमाल मुंबई के ब्लास्ट में हुआ था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ जाने माने चेहरे जो दिखते अच्छे हैं, लेकिन इनके अपराध इनकी असलियत बताया करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।